Hello friends, in this video we are going to discuss about how to drive the RMS value of a trapezoidal waveform. In previous lecture we have to drive the RS value of a sinusoidal waveform and simple waveform. So let us consider this is our trapezoidal waveform. So in this question we have first of all find out the time period. जहाँ पे अपना वन साइकिल फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होता है वो अपना टाइम पीरियड होता है. यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हुआ जीरो से T1 पे जो कि एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है, फिर T1 से T2 पे फॉरवर्ड चला, फिर T2 से T3 फिर डाउन हुआ, फिर T3 से T वैल्यू जीरो हो गई. वैल्यू क्या है? T3 से T पे वैल्यू जीरो है. तो अपना यहाँ पे इंडिकेशन हो रखा है एरो के थ्रू कि ये अपना स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन जहाँ पे भी अपन को मिले वहाँ पे अपन को फाइंड आउट करना है स्ट्रेट लाइन का. सबसे पहले लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m क्या होता है? स्लोप. तो अपन को स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है y माइनस वाई टू अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू x माइनस एक्स टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू. तो अपन यदि इस सिंपल लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो सबसे पहले अपन को फाइंड आउट होना चाहिए कोऑर्डिनेट. सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, 0 स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए. और यहाँ पे अपना x2 एंड y2, x2 क्या है? t1 एंड y2 क्या है? vp. ये अपना x एक्सिस पे चल रहा है टाइम एंड y पे चल रहा है ut. तो अपन अब यहाँ पे बात कर रहे हैं t1 से t2, तो t1 से t2 स्ट्रेट लाइन चल रही है जिसपे वैल्यू क्या है? vp. इसी तरह अपन स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दे रखी है डाउन, जो स्ट्रेट लाइन है ये अपना हो गया अपना x1 y1, तो इसको कह देंगे x2 y2. तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ दे रखे हैं तो इससे अपन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से. तो अपन को इसका ओवरऑल RMS वैल्यू निकालना है. तो अपन क्या ऐड करेंगे उसमें? 0 से T1 वाला इंटरवल, T1 से T2 वाला इंटरवल, T2 से T3 वाला इंटरवल एंड T3 से T वाला इंटरवल. कंप्लीट साइकिल का कंप्लीट हो रहा है कैपिटल T पे, 0 से कैपिटल T पे, बिकॉज T3 और T के बीच में वैल्यू क्या है? 0 है. तो मेरा साइकिल कहाँ खत्म हो जाएगा? T3 पे. तो ये अपना RMS वैल्यू का फॉर्मूला होता है √1/T इंटीग्रेशन 0 से t ut square dot dt. यहाँ पे इंटीग्रेशन t पे क्यों लिया? क्योंकि मेरा साइकिल खत्म t पे हो रहा है. इन नेक्स्ट स्टेप पे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करा, इसको मैंने इंडिकेट कर दिया ये u1t है, इसको कर दिया ये u2t है, इसको कर दिया u3t है, और ये है मेरा u4t. मैंने यहाँ इंडिकेट नहीं करा क्योंकि वैल्यू मेरी 0 है. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, ना एक्स की ना वाई की, सब कुछ 0 है. तो इस वजह से u4t क्या हो गया? 0. यदि अपन बात करते हैं 0 से t1 इंटरवल की, 0 से t1 इंटरवल, इसमें मैंने फाइंड आउट करा u1t. कैसे फाइंड आउट करा? वही जो प्रीवियस में मैंने फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले से मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी. कोऑर्डिनेट उस फॉर्मूले में रखे तो मेरा वैल्यू क्या आया? t/t1.p2. इसी तरह v2 की वैल्यू आई vp इन इंटरवल t1 to t2. इसी तरह u3t की वैल्यू आई vp मल्टीप्लाई t-t3/t2-t3 किस इंटरवल में? t2 से t3 इंटरवल में. इस जगह जो अपन ने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें उसके बाद उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो मेरे पास ये u3 की वैल्यू आई है. इसके बाद RMS वैल्यू का फॉर्मूला अपन को पता है यहाँ पे. तो 0 से t कंप्लीट साइकिल है, तो सबसे पहले अपन vRMS या URMS कह सकते हैं, अपन इंडिविजुअल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो यहाँ पे अपन इंडिविजुअल वैल्यू निकाली है, u1 स्क्वायर RMS निकाला है इसके. तो अपने पास u1 की वैल्यू जो आई थी उसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करा. तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ? 0 से t1, क्योंकि जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक की है इंटरवल? 0 से t1 की. तो यहाँ पे मेरा u1 स्क्वायर RMS क्या आ गया? vp स्क्वायर अपॉन 3t इंटू t1. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ईजिली आ जाएगा ये. इसी तरह सिमिलरली v2 स्क्वायर RMS निकाला, मैंने v2 का RMS निकाला तो क्या आया मेरा? vp स्क्वायर अपॉन t मल्टीप्लाई t2-t1. ये सिंपल स्टेप है. इसी तरह मैं v3 का निकाल u3 स्क्वायर RMS निकालूंगा तो मेरा यहाँ आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो मैंने क्या करा इसको सिंपलेस्ट करने के लिए, सिंपलेस्ट वे टू हैंडल दिस इंटीग्रेशन इंटीग्रल इज टू चेंज द वेरिएबल. आफ्टर चेंजिंग द वेरिएबल t-t3 को मैंने क्या मान लिया? u है. तो यहाँ पे क्या हो गया? ये u स्क्वायर, क्योंकि मेरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक क्या हो गया? अब t2-t3 से 0 तक. तो मेरे यहाँ पे जब मैंने इसको इंटीग्रल करा तो v3 स्क्वायर RMS क्या आ गया? vp स्क्वायर अपॉन 3t मल्टीप्लाई t3-t2. फिर लास्ट पे जो मेरा t3-t2 है इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, जो भी मेरी वैल्यू होगी u. यहाँ पे फिर मेरा ओवरऑल निकालना है ट्रेपेजोलियम वेवफॉर्म RMS. ये u1 स्क्वायर हो गया, u2 स्क्वायर, u3 स्क्वायर, u4 स्क्वायर भी है, बट वो 0 है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा. तो दिस अ सिंपल स्टेप फॉर फाइंडिंग vRMS फॉर ए ट्रेपेजोडियल वेवफॉर्म या URMS कह सकते हैं आप. तो यहाँ पे vRMS u1 स्क्वायर RMS, v2 का RMS, v3 का RMS रख दिया, वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया तो ये मेरा क्या हो गया? ओवरऑल
RMS value for the trapezoidal waveform. So this is a simple step for finding RMS value for the trapezoidal waveform. So this same concept will be followed on the different sinusoidal waveform, square waveform, trapezoidal waveform, and another waveform. So this is a simple step for finding RMS value for the particular waveform. Thank you for watching this video. Subscribe my channel and share this video.